यहाँ से इसका टाइमर सेट होगा, यहाँ से आप अपने अपनी मर्ज़ी का टाइम सेट कर लेना, ये 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट है, ये सेकंड्स में नहीं है। उसके बाद आपने ये टाइम सेलेक्ट कर लिया, टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको प्रेस करना है, ये यहाँ पे जो बेल आइकन नज़र आ रहा है इसका मतलब टाइम सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर सेट करें और यहाँ से आप अपना मोड सेट कर लें, आपने मोड सेट करना है। मोड के बारे में बताओ, पहला क्या मोड है, दूसरा क्या है? ये फर्स्ट वाला इसका क्या नाम उसका लाइट का है, दूसरे वाला नीचे वाले एलिमेंट का और पीछे फ़ैन है, उसके बाद ये ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट है, इसी तरह ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट प्लस पीछे फ़ैन है, ये अकेला ऊपर वाला एलिमेंट है, और ये इसके बाद नीचे वाला एलिमेंट प्लस फ़ैन, यहाँ पे अकेला फ़ैन है, ये इसके ऊपर वाला एलिमेंट है जिसने पूरे पूरे बेकिंग ओवन के अंदर उसने हीट सराउंड करनी है, ये ऊपर वाला एलिमेंट और इसके जो फ़ैन के पीछे वाला एलिमेंट लगा होता है वो, यहाँ से ये ज़ीरो पे आएगा। यहाँ से उसके अगर हम दोनों एलिमेंट चलाते हैं, ये वाला ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट प्लस फ़ैन, यहाँ से देखिए टाइमर हमने लगाया था 10 मिनट का, ये 9 रह गया। जब ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, टाइमर इसका ख़त्म होगा तो ये बेल आइकन में ये यानी कि ना आवाज़ करने लग जाएगा, बेल आइकन बोलने लग जाएगी आपकी कि आपका टाइमर यानी कि ना हो गया पूरा और ये बंद हो जाएगा। ये जो डबल एरो है इसके बारे में बताओ। ये डबल एरो इसका ये ग्रिल मूव कर रहा है इसकी, ये देखिए, हाँ जी ये ग्रिल मूव कर रहा है। ओके, थैंक यू।